आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डाउटनेट। और आज का जो हमारा क्वेश्चन है, दैट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स कैन बी स्टडीड विद द हेल्प ऑफ केस स्टडी मेथड। यानी कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सी प्रॉब्लम्स ऐसी है जिनका यूज या जिनकी स्टडी हम केस स्टडी मेथड के थ्रू कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि केस स्टडी मेथड होता क्या है। सो फ्रेंड्स, केस स्टडी मेथड में हम क्या करते हैं, हम किसी प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करते हैं कि इस प्रॉब्लम का रीजन क्या है, एंड देन आफ्टर उस प्रॉब्लम को हम डायग्नोस करने के तरीके ढूंढते हैं कि यानी कि इस जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को हम निदान कैसे कर सकते हैं इनका। ठीक है, सो केस स्टडी मेथड में हम प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करते हैं। तो चलिए हम एक बार फिर से अपने सारे ऑप्शन को देखते हैं। जो हमारा पहला ऑप्शन दिया गया है, दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट शो ड्रॉबैक इन ज्योमेट्री। The second option is given here, the PTA meeting of class always show low attendance. The third option is given here, one student always sleeping in the classroom. Most of the student waste their lunch. So, चलिए अपने options को एक एक बार हम define करते हैं कि क्या हो सकते हैं हमारे option. So, first one is given here that most of the student show drawback in geometry. यानी कि यहाँ पे कोई ना कोई एक reason होगा जिसके कारण ज्यादातर बच्चे जो है वो geometry में drawback है, यानी कि उनमें कमियां है या इतना इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा है। तो इस रीजन को हम पता करके इसे हम ऑब्जर्व करके इसे हम डायग्नोस कर सकते हैं। मे भी हो सकता है कि उनको टीचर का मेथड ना समझ में आ रहा हो, मे भी हो सकता है कि उनको ज्योमेट्री में इंटरेस्ट ना हो। तो वी कैन यूज केस स्टडी मेथड फॉर दिस ऑप्शन टू स्टडी दैट कि क्या रीजन है कि बच्चे शो नहीं कर रहे। दूसरा है द पीटीए मीटिंग ऑफ क्लास ऑलवेज शो द लो अटेंडेंस। ऑब्वियस सी बात है, बच्चे स्पिरिटेड नहीं है तो ये हम केस स्टडी मेथड के थ्रू इसकी स्टडी नहीं कर सकते हैं। द थर्ड वन इज गिवन हियर दैट वन स्टूडेंट इज ऑलवेज स्लीपिंग इन द क्लासरूम। एक बच्चा हमेशा क्लासरूम में सोता है, तो इसके बारे में भी हम पता कर सकते हैं कि क्या रीजन है, दैट व्हाई, क्यों ये बच्चा क्लास में हमेशा सो रहा है। तो इसको भी हम केस स्टडी मेथड के थ्रू इसका हम स्टडी कर सकते हैं। And the last one is given here that most of the student waste the lunch. तो यहाँ पे भी हम इसका रीजन पता कर सकते हैं कि क्यों बच्चे अपना लंच वेस्ट कर रहे हैं। मे बी उनको उनका लंच अच्छा ना लगता हो। तो यहाँ पे भी हम केस स्टडी मेथड का यूज करके पता कर सकते हैं कि why students are wasting their lunch. So we can say it the problems that we can solve with the case study method is the first one, the third one and the fourth one. Thank you. क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।